सुबह हो गई है, सुबह की पहली किरण। आवाज़ इसलिए भी भारी है क्योंकि कल रात में थोड़ी ज़्यादा ठंड थी, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं तीनों बंधु अपने। चलिए देखते हैं, व्यू दिखाते हुए चलेंगे। मनमोहक दृश्य, स्नो कैप माउंटेन्स। हाँ, नंदा देवी है ना शायद। हाँ चलिए, यही है हमारा रिव्यू। डेस्टिनेशन ये हमारे आज के गाइड हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, थक गए हैं शायद। हाँ अभी हम लोग यहाँ से बिस्किट खरीद के गाइड साहब को देते हैं। भैया एक बिस्किट इनके लिए। यही है आपका दुकान क्या? अच्छा, आते वक्त यहीं पेमेंट कर देंगे, आते वक्त यहीं पेमेंट कर देंगे। और यही तो थे भैया। अच्छा चलिए ठीक है। अरे उधर दीजिए। धीरे धीरे पढ़ाते चलिए। अरे चलो ये लड़का बस ज्यादा मत खाओ, गेंडे हो जाओगे। अपना गाइड चल गया, ये सब सुनने मत। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जाने कल्पेश्वर महादेव जाने में। ये छोटा सा झरना मिला है हमें। वाटर लेवल स्टिल बहुत तेज। अंश भाई हमारा आ रहा है, आ जाओ अंश, तुम्हारा वीडियो बना देते हैं, इससे क्रॉप कर देंगे तुमको। सब रील के लिए कर रहा है ये। राज भाई हमारे जा रहे हैं, देखो हमारा गाइड वहां पे है। व्यू लेकिन यार एस्थेटिक है ना। Astonishing. हाँ मुंशियारी में भी ऐसा ही हुआ होगा, थोड़ा बेटर में भी। हाँ मतलब आप हैबिटेशन नहीं था ना। हाँ वही चीज है, बसा हुआ है लोग, यहाँ पे खेती भी है। हमारे यहाँ गेहूँ कट चुका था, धान जो भी है गेहूँ है, यहाँ अभी तक पका नहीं है। शर्म करो थोड़ा, शर्म। अब देखिए जैसे यहाँ कल्पेश्वर लिखा हुआ है, कुछ दूर पे मिट चुकी है, बट स्टिल ये हमारे दो ट्रैकर्स चल रहे हैं आगे आगे, मैं इनके पीछे पीछे। टू मच फन। ये हम देवग्राम विलेज में एंट्री कर रहे हैं। देवग्राम का मतलब आप समझ पा रहे हैं? हाँ सब समझ रहे हैं, तेरे से कोई अनपढ़ नहीं है, चुप रह चल। आपको भी कल रात में हम ही बताए। हाँ 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 भाई तुम तो बताओगे ही। नंदा देवी यहाँ से क्लियरली विजिबल है। चलते चलो यार, क्या कर रहा है, थक गया क्या? नहीं भैया। और इस कुत्ते में कुछ कुछ ज्यादा ही प्रेम दिख रहा है, आई डोंट नो।
शर्मा गया भाई, शर्मा गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट हो रहे हैं यार। काफी टाइम बाद ब्लॉग करने का मजा अलग है। हमेशा की तरह पीछे पड़ा, पीछे है हमारा अंश। अभी ऐसे लग रहा है हम इसके अच्छा वीडियो बना रहे हैं, बट नहीं, बेइज्जती हो रही है, बट क्या कर सकते हैं। क्या करोगे, ये हमारा आगे का रास्ता है। लैंडस्लाइड्स हुई है, आई गेस टूट चुका है आगे पूरा। आगे अब हमें इधर जाना है, राज हमें लीड कर रहे हैं। चलते चलते हम लोग भैरवनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन कल्पेश्वर धाम। क्या वहां से लिटरली काफी अमेजिंग व्यू है। हाँ मे भी तो आगे देखते हैं डेस्टिनेशन कहाँ तक लेके जाती है। पंचकेदार कल्पेश्वर मंदिर 300 मीटर आगे है और यहाँ हमारा राज सबसे आगे है, फॉलोड बाय अंश। फॉलोड बाय आकाश। तो अंडरस्टूड है ना, डबल डेकर वाटरफॉल। ये कल्पेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि हम सब देख सकते हैं। यहाँ शिव भगवान की जटा के रूप में पूजा होती है। हम लोग पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पुल को पार करने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं, वो गुफा टाइप दिख रहा है, वहीं पर मंदिर है। इस झरना की आवाज़ कल 2 किलोमीटर दूर तक हमें सुनाई दे रही थी। हम पुल पर पहुंच चुके हैं, एज ऑलवेज राज इज लीडिंग। ये है वाइब, वो वहां बैठना है। सीढ़ी पे क्या कहते हैं चलने लगे हैं ये दो मेरे भाई, मेरे शेर। आगे बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। यहाँ हाथ धो ले, यहाँ पे बस अपन हाथ धो रहे हैं। एक मिनट फोन पकड़ना जरा, आपको ही बना देते हैं। मैं ऐसा भी नहीं है, भाई। ये व्यू आप देख सकते हैं इधर। थोड़ा स्टीफ है, ज्यादा नहीं, पूरा रास्ता मतलब बहुत आरामदेह था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई नहीं हमें, बहुत अच्छा व्यू भी था। प्लस क्या और था, क्या और था बताओ, पीसफुल था, काफी ज्यादा पीसफुल था। नारायण 4 किलोमीटर दूर है। हाँ यहाँ पे अंकल
अंकल बता रहे थे जैसे यहाँ पांच केदार है वैसे ही यहाँ पांच बद्री भी है। एक पांच बद्री के मंदिर उस साइड है, हम छोड़ के आए हैं, जाते वक्त उसे भी कैप्चर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बस मंदिर पहुँच गए हैं, ये मंदिर का घंटा है, ये अंश आ गया है, राज पहुँच गया है। कर चुके ये मंदिर का फ्रंट व्यू है, आगे अंदर जाके दिखाएंगे। और ये है कल्पेश्वर नाथ, ये गुफा है छोटी सी। ये है मंदिर, दर्शन हो गया है हमारा, काफी अच्छा दर्शन रहा, मेडिटेशन भी हो गई, राज की स्माइल बहुत प्यारी थी। ये हमारे पीछे मंदिर कल्पेश्वर महादेव। हाँ, पीछे ये व्यू है, बस दर्शन हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं बस मिलती है या नहीं। थोड़ा लेट हो गया है बट स्टिल काफ़ी सूथिंग था, सब चीज़ अच्छा था, मिलता है। तो हम लोग वापस लौट के केदार मंदिर आ गए हैं, जो कि यहाँ से 50 मीटर है। बस कार वाले का इंतजार कर रहे हैं, वो आने का। हाँ, मैं एक लिफ्ट मिला था कार टाटा नेक्सन वाला, बट अभी तक तो वो आया नहीं है, देखते हैं। कन्या, ये है रहा व्यू। कन्या लोगों को इंटरेस्ट है, कन्या। कुछ पथरीले मार्ग भी हैं बस, लेकिन छोटे से हैं। मंदिर यहाँ पे है, बहुत प्यारा सूथिंग सा मंदिर पहाड़ के बीच में, आप जैसे देख सकते हैं। केदार ये आ गए हम लोग केदार मंदिर में, बाहर से ये है व्यू। राज वहाँ पहुँच चुका है पहले, अंश भी आ गया है दौड़ते दौड़ते। ये लिटरली एक हूबहू केदारनाथ जैसा ही है। केदार मंदिर का क्लोजअप शॉट हूबहू केदारनाथ टाइप के ही है, बहुत मिलता जुलता है।